हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सेबी का एक सर्कुलर है, रिसेंटली कुछ दिनों पहले वो आया था। तो एक्चुअली ये पुराना सर्कुलर है, मगर वो अब अगले हफ्ते से यानी कि मोस्टली 21 जनवरी से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म या फिर अवेयर करवाना चाहता हूँ। एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश उसमें ऐड करना चाहता हूँ। ओके, ये मेरा शेयर मार्केट फ्रेंड चैनल है। इसके वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो ये बहुत सारे जो वीडियोस मैंने बनाए आपके लिए आप देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक। तो ये जो सर्कुलर है इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन ज़ेरोधा, जो इंडिया का नंबर वन ब्रोकरेज अभी हो गया है, तो उन्होंने उनके जो नोटिस पोर्टल है, सपोर्ट पोर्टल है, उस पर डाला हुआ है। तो उसको ही मैं सपोर्ट पकड़ के वो जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है उसको और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको ये जो एक्सप्लेनेशन है ज़ेरोधा की वेबसाइट पे या फिर सपोर्ट पोर्टल पे, उसको एक सपोर्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ओके, ये एक मैंने ज़ेरोधा मार्जिन कैलकुलेटर खोल के रखा है। गूगल पे आप सर्च करेंगे F&O मार्जिन कैलकुलेटर ज़ेरोधा तो आपको मिल सकता है वहाँ पे। तो उसमें मैंने सिलेक्ट किया है NFO, फिर ऑप्शन, फिर निफ्टी 31 जनवरी 2019 का एक्सपायरी। ओके, एक्चुअली ये वीडियो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए कंसर्न है। आप लोग सुनना चाहते हैं तो बाकी लोग भी सुन सकते हैं, बाकी तो बायर्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ बायर्स के लिए भी हो सकता है इन्फ्लुएंस, बट बेसिकली इम्पैक्ट सेलर्स को बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये 11,100 का थोड़ा सा करंटली निफ्टी 10,000-11,000 के बीच में चल रहा है, तो 11,100 का मैंने पकड़ा हुआ है और ये सेल ऐड किया है। तो यहाँ पे जो ज़ेरोधा का मार्जिन दिखा रहा है, तो इसमें दो पार्ट है, एक तो स्पैन मार्जिन है और दूसरा एक्सपोजर मार्जिन है, और ये तो रिसीवेबल पार्ट है सेलिंग के बाद मिलने वाला, और ये टोटल मार्जिन जो लग रहा है फिलहाल है 68,000। तो अभी जो 11 जनवरी से जो सर्कुलर लागू होने वाला है, तो ये 68,000 पे इम्पैक्ट करने वाला है। तो वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला बताने वाला हूँ। तो अभी आपने देखा कि स्पैन मार्जिन है इसके अंदर और एक्सपोजर मार्जिन है, तो स्पैन मार्जिन मोस्टली ज़्यादा है लगभग 43,000 और एक्सपोजर मार्जिन लगभग 24,000 है। तो एक एग्जांपल करके पकड़ रहा हूँ मैं। ओके, तो ये जो स्पैन मार्जिन है उसका कैलकुलेशन करते समय सेबी या फिर या ये भी एक्सचेंज जो मैंडेट करते हैं कि जब भी कोई ऑप्शन सेलर कोई ऑप्शन सेल करता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, सपोज़ वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, सेलर जो डायरेक्शन में इंटेंड करता है उससे, तो वो सेलर को पैसे देने पड़ सकते हैं। तो उस केस में ब्रोकरेज पे वो लायबिलिटी आ सकता है अगर वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव होता है। तो उसके लिए सेबी मैंडेट करता है कि जो भी सेलर कोई भी कॉल या फिर पुट सेल करता है तो उसको एक दिन का जो प्राइस स्कैन रेंज उन्होंने पकड़ा हुआ है एक दिन का, तो ओके, ये वर्स्ट पॉसिबल मोमेंट का जो रेंज पकड़ा है एक दिन का, उतना मार्जिन पकड़ के उसको जमा करना पड़ता है फिर देना पड़ता है। तो अभी वो जो एक दिन का रेंज उन्होंने पकड़ा था प्राइस स्कैन रेंज, वो एक दिन से दो दिन बढ़ा दिया है सेफ्टी के लिए, क्योंकि रिसेंटली ओवरऑल जो सिस्टम में वोलेटिलिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एक तो वो जो टाइमिंग है वोलेटिलिटी पकड़ने कवर करने का, पॉसिबल वोलेटिलिटी ओवर 2 डेज वो बढ़ा दिया है। उसके बाद दूसरा जो चेंज उन्होंने किया हुआ है कि ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी पकड़ते हैं, मतलब ये जो स्पैन मार्जिन जब कैलकुलेट होता है तो उसके लिए बेस पकड़ा जाता है प्राइस स्कैन रेंज का, कि जितने रेंज में जो निफ्टी का मोमेंट है या फिर स्क्रिप्ट का मोमेंट है प्राइस का, वो वोलेटिलिटी मूव कर सकता है। तो वो एक्चुअली सिग्मा में वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, वो एक्चुअली एक बड़ा चैप्टर बन सकता है अगर मैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्सप्लेन करूँ तो। तो बेसिकली आप इसको एक वोलेटिलिटी का गेज करके पकड़ सकते हैं। तो वो जो प्राइस स्कैन रेंज है उसके लिए, उसके वजह से जो परसेंटेज पकड़ा जाता है, तो PSR 5% का पकड़ते हैं इंडेक्स के लिए और 7.5% का पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो अभी एक्सचेंज ने या फिर सेबी ने उसको मैंडेट किया है कि उसको जो पहले से जो था उसको 1.4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि ये दो प्राइस का मूवमेंट कवर कर सके। तो हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर में वापस आते हैं, तो ये जो स्पैन मार्जिन पहले का होगा उसको लगभग 1.4, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्राइक ये थोड़ा वैरी होगा, तो 1.4 से वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, स्पैन में ये चेंज आएगा। उसके बाद एक्सपोजर मार्जिन में ऐसा थोड़ा सा चेंज किया है कि इसके अंदर पहले जो उसका
3% था इंडेक्स के लिए और 5% था ओवर टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू होता है 75 मल्टीप्लाइड बाय निफ्टी का वैल्यू, तो उसके 3% था और सेम वे स्टॉक का 5% था, तो वो अभी बढ़ा के 4.24% एंड 7.07% कर दिया। तो बेसिकली ये भी बढ़ा दिया उन्होंने उसके अंदर। तो जहाँ तक ज़ेरोधा प्रोजेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इन्होंने इनका प्रोजेक्शन भी एक दिया हुआ है रफली, तो ये 10,000 से अगर निफ्टी का पकड़ेंगे तो लगभग 10,000 का चेंज आएगा जो मार्जिन जमा करना पड़ेगा, और दूसरा 7,000 का आएगा फर्क बैंक निफ्टी में। तो स्पैन मार्जिन में इंडेक्स में और स्टॉक ऑप्शन जो है उसमें चेंजेस हुए, मगर जो और तीसरा भी और एक चेंज हुआ है कि शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम, पहला चेंज तो ये कि स्पैन मार्जिन 2 दिन का पकड़ रहे हैं, दूसरा एक्सपोजर मार्जिन को 3% से 4.5% लगभग तो बढ़ा दिया, और तीसरा शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम जो है कि जो आउट ऑफ द स्टॉक आउट ऑफ मनी जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब अगर 10,000 पे निफ्टी चल रहा है तो 8,000, 9,000, 8,000, 6,000, 7,000 या फिर के कॉल और आगे के सेम बेस पुट जो नीचे के होते हैं, शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, तो फिर वो आप समझ लीजिए कि आउट ऑफ मनी जो कॉल जो ऑप्शंस होते हैं उनको सेल करने के लिए एक मिनिमम रेंज मिनिमम मार्जिन डिफाइन किया हुआ है, तो जिसको बोलते हैं कि शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम, तो फिर वो जो रेंज है 7% मूवमेंट का निफ्टी का, तो वो छोड़ के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको ये शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम जो जमा करना पड़ता है मार्जिन वो एप्लीकेबल होता है, तो उसके अंदर भी 5% का इंक्रीज़ किया हुआ है। मतलब बेसिकली जो इन जो नियरेस्ट ऑप्शंस हैं निफ्टी के करंट वैल्यू के, तो वो स्पैन मार्जिन और उनका एक्सपोजर मार्जिन इम्पैक्ट होगा, और निफ्टी के जो आउट ऑफ मनी कॉल या पुट हैं तो वो शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम वैल्यू चेंज करने की वजह से इम्पैक्ट होंगे, तो ओवरऑल जो प्रीमियम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शॉर्ट ऑप्शन मिनिमम जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस के लिए चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक इन्होंने शीट भी दिया हुआ है, ओके इन्होंने एक इलस्ट्रेशन के लिए एक स्प्रेडशीट यहाँ पे दिया हुआ है, ज़ेरोधा ने एक अच्छा खासा इन्होंने बना के दिया हुआ, तो उससे एक आपको आइडिया आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने खोल के रखा है। ओके इसमें अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है, तो पहले यहाँ पे सिंबल दिया है, फिर अंडरलाइन क्लोजिंग प्राइस, लॉट साइज और एक करंट जो एक्सपोजर स्पैन और एक्सपोजर मार्जिन का परसेंटेज दिया हुआ है, और ये रिवाइज वाला परसेंटेज दिया हुआ है, तो उसका जो चेंज आएगा वो डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो हाईएस्ट जो चेंज आ रहा है वो जेट एयरवेज में आ सकता है, रफली दिया हुआ है ये, तो ये 45% तक है, और जो लोवेस्ट चेंज आ सकता है वो भी लगभग रिड्यूस भी हो रहा है या फिर 0% चेंज भी है कुछ में। ओके तो बेसिकली निफ्टी में अगर हम देखते हैं, निफ्टी सर्च करता हूँ मैं, तो निफ्टी के अंदर 12.5% तक का निफ्टी और बैंक निफ्टी में 12.5% तक का प्रीमियम में चेंज आ सकता है। ओके तो ये था बेसिकली, हमने 3 पॉइंट कवर किए कि जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं उनके स्पैन मार्जिन में लगभग 2 डेज का कवर कर रहे हैं और वो 1.41 से मल्टीप्लाई होगा, और एक्सपोजर मार्जिन में लगभग 2 से 3% ऐड होगा, और जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन है उसमें शॉर्ट ऑप्शन मनी इंडेक्स में होगा। ओके और यहाँ पे इलस्ट्रेशन में कुछ दिया हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं एक्सेल शीट में। ओके तो ये ओवरऑल ज़ेरोधा ने बहुत अच्छा उनके सपोर्ट पोर्टल पे दिया हुआ है, ये मैंने एक एक्सप्लेनेटरी उनका सपोर्ट पोर्टल का जो नोटिस था वो आपके लिए मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपके लिए शेयर किया था, तो इट ऑल क्रेडिट गोज़ टू एक्चुअली ज़ेरोधा। ओके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल शेयर मार्केट फ्रेंड।